तो मेरा जो सपना था वो पूरा कर लिया। पंजाब टू केदारनाथ हमारा कंप्लीट हुआ। 25 पूरी गौरीकुंड की मार्केट है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर सकते हो। वैसे ब्रेकफास्ट का टाइम तो हो ही गया, ब्रेकफास्ट आपको सुबह 4 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा। जो यात्रा सुबह 4 बजे शुरू कर सकते हैं, जिसमें सुबह ही आपको 4 बजे घोड़े पिट्ठू पालकी सब मिल जाएगा, और ब्रेकफास्ट भी आप सुबह 4 बजे ही कर सकते हो अगर करना चाहते हो। तो जैसे ही आप गौरीकुंड की मार्केट से बाहर निकलेंगे वैसे ही आपको घोड़े खच्चर वगैरह मिल जाएंगे, पालकी और जो पंदे वाली है वो आपको गौरीकुंड में मिल जाएगी। जो घोड़े वगैरह वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे मेरे पीछे खड़े। जैसे आप गौरीकुंड की मार्केट क्रॉस करेंगे आपको घोड़े खच्चर वाले दिख जाएंगे। जो रेट्स वगैरह रहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल रेट्स रहते हैं, इसकी वीडियो मैं डाल दूंगा कि क्या रेट्स रहते हैं। आगे जब आएगा एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे सारे रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपको चलना है। यहाँ पे अभी आपको घोड़े खच्चर के जो ऑफिशियल रेट है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ है, ठीक है। यहाँ से आपको घोड़े के जो टिकट वगैरह वो लेनी है, और ये ऑफिशियल प्राइस यहाँ पे लगे हुए हैं। ऐसे कुछ रास्ते हैं, सही रास्ते, ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चढ़ाई अभी कुछ ज़्यादा स्टीप तो नहीं है, नॉर्मली है। यहाँ से जंगल चाटी बचा है 3 किलोमीटर, केदारनाथ 15 किलोमीटर। ऐसे पानी के लिए भी आपको यहाँ पे जगह जगह पे नल मिलते रहेंगे। तो यहाँ से व्यू देख सकते हो कितने औसम हो गए। मौसम अभी थोड़ा ठंडा है, लेकिन जब आप ट्रैक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो ट्रैक शुरू करते वक्त तो कम ही कपड़े डालिएगा। जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रह जाएगा, तब आप जो कपड़े ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अभी लगभग 2 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो कंप्लीट हो चुका है। हमको अभी 2 किलोमीटर करने में लगभग 40 मिनट लग गए हैं, क्योंकि सामान भी है तो धीरे धीरे चल रहे हैं। और यही रिकमेंड किया गया है कि आप धीरे धीरे चले, क्योंकि बहुत लोग शुरुआत में से फास्ट फास्ट चले जाते हैं, और जब असली चढ़ाई आती है तो वहाँ पे उनके पास एनर्जी नहीं होती। तो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चले, कोई जल्दी ना करें। गणेश चाटी पहुँच चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो अगला जो पड़ाव है वो आ चुका है। यहाँ पे जो हेलीपैड है देख सकते हैं, यहाँ से 30 मीटर की 300 मीटर की दूरी पे जंगल चाटी, 2 किलोमीटर की दूरी पे केदारनाथ, 13 किलोमीटर की दूरी पे। तो अब जो चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप हो चुकी है, और रास्ते में जो घोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, जिसके कारण हमारा चलना तो मुश्किल है। तो हो सके तो आप ही ट्रैक है ना 4 बजे स्टार्ट करिए, ताकि आपको एटलीस्ट 1-2 घंटे तो घोड़े ना मिले। लेकिन मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, गर्मी आप देख ही सकते हैं, पसीने से पूरे भर चुके हैं वेट के कारण। बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत हो रही है, मस्ती से चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये रेस्टिंग प्लेस है जहाँ पे आप थोड़ी देर रुक के रेस्ट कर सकते हो। यहीं पे पानी वगैरह पीने के लिए स्कूटी भी लगी है, पानी वगैरह भी पी सकते हो, और फिर आगे बढ़ सकते हो। फोटोज़ खिंचवाने के लिए भी काफ़ी सही जगह है। बस ऐसे सुंदर रास्तों पे चलते रहना है, व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, पर ट्रैक करते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो चीरबासा पहुंच चुके हैं मेडिकल रिलीफ कैंप पे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है यात्रा के दौरान, तो आप यहाँ पे रुक के मेडिकल असिस्टेंस ले सकते हैं। क्या हो रहा है भैया? तो टाइम हो रहा है 8 बजे, और चीरबासा पहुंच चुके हैं। तो अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो आपको 3 मेडिकल रिलीफ कैंप देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा पानी की टूटी, और जगह जगह पर खाने पीने के लिए आपको चीज़ें और नींबू पानी वगैरह सब मिल जाएगा। और यहीं पर हम भैरव मंदिर चीरबासा पहुँच चुके हैं। अभी आपको भैरव मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो भैरव बाबा के दर्शन कर लिए और टीका लगवा लिया, अब चल पले आगे को। अभी तक जो एक भी स्टॉप है जो बड़ा नहीं लिया, छोटे छोटे 2-2 मिनट के रेस्ट लिए। अभी थोड़ा और आगे जाके 5-10 मिनट का रेस्ट लेंगे पूरा।
टाइम हो रहा है 8:25 और अपने पहले पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं जंगल चाटी। तो 6:10 पे शुरू किया था, 8:30 पहुंच गए, 2 घंटे लगे हमको जंगल चाटी तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ से जो रुद्रा फॉल है वो 200 मीटर दूर है भीम वाली 2 किलोमीटर और केदारनाथ 12 किलोमीटर। ब्रेकफास्ट है जब वो कर लिया, सुबह टाइम हो रहा है 9:30 और ब्रेकफास्ट हो चुका है। तो भीम वाली से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। ब्रेकफास्ट मुझे पड़ा वो पड़ा 100 रुपये के 2 पराठे, सही थे, 2 आलू पराठे खा लिए, अच्छे से पेट भर गया, क्योंकि ऊपर जाके तो पता नहीं काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलेंगे, तो अभी खा लिया। अब जो लंच है सीधा केदारनाथ पहुँच के ही करेंगे। तो यहाँ से जो केदारनाथ मंदिर है वो 10 किलोमीटर बचा है, स्मॉल लिचोनी 3.5 किलोमीटर, बेस कैंप बची है 9 किलोमीटर, और जो हमारा अगला पड़ाव है भीम वाली वो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। रामबाड़ा बचा 1 किलोमीटर, छोटा लिचोली 2.5 किलोमीटर, लिचोली 5, छानी कैंप 6, उसके बाद बेस कैंप 8.5, केदारनाथ 10। तो गाइस फाइनली भीम वाली पहुँच चुके हैं और यहाँ से रामबाड़ा है जो सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है। टाइम हो रहा है 10:20। तो जी भीम वाली के बाद ये वाला जो ब्रिज है वो आ चुका है, अभी ये ब्रिज क्रॉस करेंगे। तो काफ़ी नज़दीक अपन लोग पहुंच चुके हैं। तो गाइस फाइनली भीम वाली क्रॉस करके ये ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अब धीरे धीरे पैदल चलते हैं, अभी टाइम हो रहा है 10:30 और इस ब्रिज पर हम पहुँच चुके हैं। सुबह 6:10 शुरू किया था और 10:30 ब्रिज तक पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी जल्दी और सही टाइम पर रास्ता है जो कवर हो रहा है। लगभग 1 या 2 बजे तक ऊपर हम केदारनाथ मंदिर तक पहुंच ही जाएंगे। करने के बाद केदारनाथ मंदिर रहेगा 9.5 किलोमीटर, लिंचोरी रहेगा 4.5, छोटी लिंचोरी रहेगा 2.5 किलोमीटर। यहाँ से अभी 2 रास्ते हैं, अभी अभी पता लगा है, जो आपको ब्रिज दिखाया था ना, वहाँ से ब्रिज से एक रास्ता सीधा जाता है, वो थोड़ा सा शॉर्टकट है, लेकिन वो चलते समय ना वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा चढ़ाई है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। ब्रिज से क्रॉस करके जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो रास्ता थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो रास्ता आसान है एज़ कम्पेयर टू शॉर्टकट। तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी जो रास्ता चूज़ करना चाहते हैं चूज़ करके जा सकते हैं। तो है हमने जो ब्रिज वाला रास्ता चूज़ कर लिया था, पहले पता नहीं था कि 2 रास्ते, मेरे को तो लगा कि एक ही रास्ता है, तो हम उसी रास्ते से आ गए, लेकिन बाद में पता लगा कि 2 रास्ते वहीं जा रहे हैं, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर 2 रास्ते जाके मिल जाएंगे। सबसे पहला जो ब्रिज देखे उसी ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी साइड जा सकते हैं। इस रास्ते में फ़ायदा ये है कि बहुत ही कम घोड़े और बहुत ही कम टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ही आराम से चलते चलते आप जा सकते हैं, मज़ेदार, और व्यूज़ भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पीछे मेरे देख सकते हैं। कुछ बिल्कुल साफ साफ रास्ता है, यहाँ कोई घोड़े वगैरह नहीं है। दूसरा रास्ता वो बिल्कुल साथ साथ पैरेलल ही जा रहा है, ठीक है, देख सकते हैं वो पैरेलल ही बिल्कुल दूसरा रास्ता जा रहा है। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और थोड़ी सी दिक्कत हो गई, जो मेरा रेनकोट है ना वो किसी और के पास है, तो ना मेरे पास रेनकोट है ना छतरी है, और बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, और जो जिनके पास मेरा रेनकोट छतरी है वो थोड़ा सा 1 किलोमीटर यहाँ से आगे, तो मुझे फटाफट खींच के उनके पास जाना होगा अपना रेनकोट लेने के लिए, तो पूरा गीला हो जाऊँगा और कपड़े गीले हुए तो सूखेंगे नहीं। जो लिमचोली वाली चलाने में काफ़ी ज़्यादा सटीप और मुश्किल है, और ऊपर से बारिश भी गिर रही है, तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ये वाला पार्ट। तो बहुत ही मुश्किल ये वाला चढ़ाई है, तो काफ़ी तेज़ है, तो बारिश लग चुकी है, और मेरे पास रेनकोट कुछ नहीं है, पूरा गीला हो चुका हूँ। मैंने भी 200 रुपये का रेनकोट यहाँ से ख़रीद लिया, वैसे तो बारिश रुक गई है लेकिन बारिश कभी भी चालू हो जाती है, तो रेनकोट ले ही लिया, लेकिन जो जैकेट है वो मेरी काफ़ी गीली हो चुकी है ऑलरेडी, बैग भी गीला हो गया, और जो ये स्लीपिंग मैट है ना मेरे पास वो भी गीला हो गया, लेकिन मैं शेल्टर में रुक गया था, तो जब भी आपको दिखे कि बारिश वगैरह हो रही है तो रेनकोट नहीं है तो शेल्टर में रुक जाए, सामान को गीला बिल्कुल ना करें, और जहाँ भी मिले ऐसे वाले रेनकोट ख़रीद ले 200 रुपये में। तो व्यूज़ बहुत सुंदर होते जा रहे हैं, अभी अभी बारिश होके हटी है,
और 7 किलोमीटर और रह गए। तो पूरा सीढ़ियों वाला रास्ता आ चुका है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ ये जो चढ़नी पड़ रही हैं, नीचे से लेके यहाँ से सीढ़ियों वाला रास्ता शुरू हुआ था और पूरा सीढ़ियों वाला रास्ता ये। आपके पास एक शॉर्टकट और भी है जो आप नीचे से ले सकते हो, तो मुझे लगता है वही शॉर्टकट बेटर रहेगा वैसे तो, क्योंकि सीढ़ी आप स्किप कर लोगे। तो देख सकते हो पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के आ चुके हैं, अब दोबारा से प्लेन रास्ता शुरू हो चुका है। टाइम हो रहा है 1:30 बजे और केदारनाथ मंदिर 5 किलोमीटर बचा है, केदारनाथ बेस कैंप 3 किलोमीटर बचा है। ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गए और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और वेट पर जा रहा है, चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो अभी सबसे मेन टास्क जो है ना वो ये है कि धीरे धीरे चलना, सांस में चढ़े और जाके केदारनाथ बेस कैंप में कैंपिंग के लिए जगह ढूंढनी है। बारिश काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी हो चुकी है, सारे ग्राउंड वगैरह सारी जगह जो गीली हो चुकी होंगी, तो देखना है कि कैंपिंग के लिए जगह भी मिलेगी या नहीं। मंदिर के पास तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ है, तो वहाँ पर शायद कैंपिंग ना ही कर पाए। तो गाइस व्यू देखो, ग्लेशियर है जो आ चुका है फाइनली बहुत देर के बाद। अभी भी जो केदारनाथ मंदिर है यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 4.5 किलोमीटर दूर है, उससे पहले पर जो ग्लेशियर वाले बर्फ़ वाले व्यू है वो शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे आप बर्फ़ में खेल सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। 1:45 हो रहे हैं और फाइनली काफ़ी चलने के बाद पहुँच चुके हैं बर्फ़ के पास। यहाँ पे जो ग्लेशियर वगैरह ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं यहीं से, तो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है जो पड़ी होगी। वहाँ पर पहली झलक है जो ग्लेशियर को दिखाते हैं, पहला ग्लेशियर देख सकते। तो लिंचोली पुलिस स्टेशन से यहाँ पे दो रास्ते जाते हैं, ठीक है, एक ये शॉर्टकट है जो सीढ़ियों से ऊपर जाएगा और एक ये शॉर्टकट है जो आप घूम फिर के जा सकते हैं। तो शॉर्टकट से आपका काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है बच जाएगा, ऊपर व्यू बहुत ज़्यादा सही आ रहे हैं, तो हम शॉर्टकट से ही जा रहे हैं ताकि हमारा जो थोड़ा रास्ता है वो बच जाए। ऐसा कोई शॉर्टकट है जिससे आप आ सकते हैं? कोई नहीं, शॉर्टकट है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप बिल्कुल फिजिकली फिट है और आपके जूते में ग्रिप है तो ही शॉर्टकट ले, अदरवाइज शॉर्टकट बिल्कुल ना ले। हमारी भी सांसें पूरी फूल चुकी है, यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए काफ़ी जगह भी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 10-10 फुट की जो बर्फ़ की चादर है वो बिछी हुई है। दस दस फुट की बर्फ़ की जो चादर है वो बिछी हुई है, देख सकते कितनी बड़ी दीवार है बर्फ़ की। तो पीछे देख सकते हैं पूरी बहुत ज़्यादा बर्फ़ की जो चादर है वो बिछी हुई है। तो गाइस व्यू देखो यहाँ से, ठीक है, बर्फ़ की जो दीवारें हैं वो क्रॉस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे भरी हुई है चारों तरफ। ये पूरा ऐसा कुछ रास्ता है, ठीक है, जो आपको चलते हुए आना है, ये देखो सारे आ रहे हैं, हम ऐसे पूरा चल के ऊपर आ चुके हैं और फिर आपको यहाँ से ऐसे ऊपर चले जाना है। केदारनाथ बेस कैंप है जो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है और यहाँ देख सकते हैं आप ऐसे अपनी पर्सनल कैंपिंग कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ आपको जगह मिले टेंट डाल सकते हैं। केदारनाथ टेंपल अभी भी 2.5 किलोमीटर दूर है और बेस कैंप 1 किलोमीटर, घोड़ा पर आप 500 मीटर। काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है जो लास्ट के 2-3 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत सांस चढ़ रही है, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम। तो ये जो ग्राउंड है चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, अब यहाँ से सारा
प्लेन रास्ता शुरू हो चुका। तो मंदिर बचा है 1.5 किलोमीटर, हॉस्पिटल है 500 मीटर, हेलीपैड है 100 मीटर। पूरे 12 घंटे की मेहनत के बाद मेरे को मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अभी भी 1 किलोमीटर है जो बाकी है। टाइम देखो 5:50 हो रहे हैं, तो पूरे 6:10 तक हम मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। तो मंदिर की पहली झलक दिख चुकी है बिल्कुल सामने। टाइम हो रहा है शाम के 6:35 और बिल्कुल मेरे पीछे केदार बाबा का मंदिर पहुंच चुके हैं। सक्सेसफुली ट्रैक हुआ है अपना कंप्लीट, और अभी हमको जो कैंपिंग की लोकेशन है वो ढूंढनी है और फिर कैंप सेटअप करना है फटाफट। तो मेरा जो सपना था वो पूरा कर लिया, पंजाब टू केदारनाथ हमारा कंप्लीट हुआ 25 अप्रैल शाम को 6:30। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है अभी यहाँ पे दर्शन के लिए। हमारी दर्शन की जो स्टेशन है वो तो कल ही है, तो हम कल ही दर्शन करेंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। केदारनाथ मंदिर और यहाँ पे सारे जो कैंपिंग टेंट्स है वो लग रखे हैं।